तो हमने और आपने अपराध की जितनी भी कहानियां आज तक सुनी होंगी, उनमें ज्यादातर जो अपराधी होता है वह अक्सर जो है जुर्म करने से पहले खुद को बचाने के तरीकों को इजाद कर लेता है। यहाँ तक कि जो अपराधी होता है अपराध करने के बाद जो है खुद का हुलिया बदलकर राज्य अथवा देश को छोड़कर जाने के भी प्लानिंग कर लेता है, ताकि उसे कभी भविष्य में पकड़े जाने का डर ना हो। लेकिन दोस्तों, आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह बिल्कुल ही इस कहानी से बिल्कुल उलट है। दोस्तों, इस कहानी में अपराधी जो होते हैं एक ऐसे जुर्म को अंजाम देते हैं और जुर्म करने के बाद जो अपराधी होता है वह पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और खुद को सरेंडर करने के बाद पुलिस से करने लगता है। दोस्तों, इस कहानी की जो पीछे की कहानी निकल कर आती है और जो साजिश निकल कर आती है, यह सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर किसी का जो दिल है वह दहल जाएगा। पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो में बने रहे अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आरके, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी कहानी में। दोस्तों, हाजिर हूं फिर एक नई सच्ची घटना के साथ में। तो शुरू करते हैं शुरू से। 6 दिसंबर 2021 की रात को करीब 10 बज रहा था, तभी एक महिला और एक पुरुष जो होते हैं भोपाल के कटरा हिल्स थाने में पहुंचते हैं और खुद को सरेंडर करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं पुलिस प्रशासन से कि हमने एक हत्या कर दी है और जो बॉडी है हमारी गाड़ी में रखी हुई है, जो कि वह बाहर खड़ी हुई है। पुलिस स्टेशन में उस वक्त कोई नहीं होता है, 2-4 कांस्टेबल होते हैं, कोई बड़ा अधिकारी मौजूद नहीं होता है। और तभी जो कांस्टेबल होता है उस महिला की बात सुनकर दंग रह जाता है और फिर अपने अधिकारी को फोन घुमा देता है और इस बात की पूरी जानकारी दे देता है। दोस्तों, कुछ ही देर बाद जो थाना अध्यक्ष होते हैं वहां मौके पर पहुंचते हैं और अपने कांस्टेबल के साथ में उस गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी की डिग्गी खोलती है तो उस महिला के बयान के आधार पर जो है वह बात सच हो जाती है जो उसने पहले थाने में दी होती है। दोस्तों, उस बॉडी को अपने हिरासत में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। कुछ वक्त बाद जो है जब इस पूरी घटना की जानकारी उस महिला द्वारा बताई जाने लगती है तो यकीन मानिए दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद जो है हर कोई रोने लगेगा। इतनी भयावह और डराने वाली कहानियां होने वाली है। दोस्तों, महिला कबूलनामे में यह बताती है, बात है घटना से करीब 5 साल पहले की बात है। करीब मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है भोपाल, भोपाल में एक जगह पड़ती है गोल्डन पार्क। वहां पर एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था धनराज मीणा। वह अपने माता और पिता के साथ रहते थे और उनके पास जो बिजनेस होता है जो पाइप का बिजनेस करते थे। दोस्तों, उनका बिजनेस पहले तो गांव लेवल पे ही छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वह बढ़ाते गए और फिर यह बिजनेस इतना बड़ा कर लेते हैं ताकि उनका जो बिजनेस था वह काफी जो है बड़े शहरों में भी चलने लगता है। भोपाल के पूरे शहर में भी वह धीरे धीरे उस पाइपलाइन का जो बिजनेस था उसको कवर कर लेते हैं। थोड़े वक्त बाद जो है उनके जो धनराज के माता पिता वो होते हैं, वह धनराज की शादी जो है एक संगीता नाम की लड़की से कर देते हैं जिसकी उम्र 21 वर्ष के आसपास थी। जो संगीता थी वह बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक वतन वाली लड़की होती है, क्योंकि जो उसका फिगर था वह किसी के भी दिल को एक पल में ही मोह लेता था। थोड़ा वक्त और गुजरता है तो इन दोनों का जो परिवार था बहुत ही अच्छा गुजर रहा था। हालांकि दोनों की जो शादी थी अरेंज मैरिज थी, लेकिन जो इन दोनों में प्यार था काफी हद तक जो है लव मैरिज वाला ही दिखाई दे रहा था। थोड़ा वक्त और गुजरता है तो इन दोनों के बीच में एक बच्चा होता है और कुछ दिन बाद जो है एक बच्चा और हो जाता है। दोस्तों, इन दोनों का जो करियर होता है, इनकी दोनों की जो जिंदगी होती है बहुत ही अच्छे से कट रही होती है। अब इनके बीच में जो है दो बच्चे और भी आ चुके थे, कुल मिलाकर इनकी फैमिली में 6 लोग हो चुके थे। धनराज मीणा होता है वह अक्सर अपने काम को लेकर के जो है शहर को जाता रहता, वहां से दो तीन दिन जो है घर लौट नहीं पाता था और फिर अपनी साइडों को देखता, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति था और काम उसका जो बिजनेस था काफी बड़ा बिजनेस होता है, इस वजह से वह ज्यादा दिन जो है घर के बाहर ही रहा करता था। एक दिन जब अपने घर कटरा गोल्डन पार्क आता है तो उसकी बीवी जो संगीता होती वह कहती है, हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, क्यों ना हम लोग यहाँ से जाकर के जो है शहर में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि आपका ज्यादातर जो बिजनेस है वहीं पे चलता है और आप वहीं पर ज्यादातर रहते हैं। तो जो धनराज मीणा होते हैं वह अपनी पत्नी से एग्री हो जाते हैं और उसकी बात को मानकर साल 2014 में एक प्लाट खरीदते हैं भोपाल के कटरा हिल्स थाने के अंतर्गत की कॉलोनी में, और वहां पर जो है आकर के अपने मियां बीवी के साथ में रहने लगते हैं। थोड़ा वक्त और गुजरता है, आशीष जो होता है वह धनराज के एकदम बगल वाले फ्लैट में रहता था और इंसिल जो होता है वो भी शादीशुदा था। वह पेशे से जो है इंजीनियर था, 2012 में उसने जो है बीटेक करके बीटेक किया था
और अपने शादीशुदा जिंदगी से वह कटरा हिल्स के थाना अंतर्गत कॉलोनी में जो जहां पर राज मीना रहते थे वहीं पर भी वह लोग किराए पर रहते थे। आशीष के परिवार में कुल 4 लोग होते हैं, आशीष का बेटा, आशीष की पत्नी जो कि टीचर थी, और आशीष के पिता जो रिटायर्ड SBI कर्मचारी रहे थे। दोस्तों धीरे धीरे थोड़ा वक्त और गुजरता है तो इन दोनों परिवारों की जो मुलाकात होती है काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि यह दोनों पड़ोसी होते हैं, इसलिए इन दोनों का जो रिश्ता था काफ़ी अटूट हो जाता है और यह दोनों परिवार जो है एक दूसरे के सुख दुख में भी खड़े होने लगते हैं। धनराज होता है अपने काम से अक्सर जो है बाहर साइडों पर रहा करता था, क्योंकि इसका जो काम भी शहर में काफ़ी जगह ही फैला हुआ था, तो यह एक साइड से दूसरी जगह, दूसरी साइड से तीसरी जगह इसका आना जाना लगा रहता था और इस बीच वह घर भी आ नहीं पाता था। दोस्तों एक दिन की बात है, जब धनराज के लड़के की तबीयत खराब हो जाती है तो पत्नी संगीता जो होती है वह अपने पति से फोन करके कहती है कि देखिए मेरे बेटे की तबीयत खराब है, जल्दी से जल्दी आप आइए और मेरे बेटे की दवा ले आइए। तभी जो धनराज होता है वह कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन मत लो, मैं अभी आशीष को फोन किए दे रहा हूँ, वह की दवाई ला करके दे देगा और फिर अपना बेटा ठीक हो जाएगा। दोस्तों धनराज के मुताबिक ऐसा ही होता है, जो आशीष होता है उसके बेटे को लेकर के जाता है और उसकी दवाई ला करके उसके घर में छोड़ देता है। दोस्तों जो आशीष होता है वह काफ़ी अच्छा लड़का होता है और उसकी जो ड्यूटी थी वह कभी दिन में और कभी रात में भी चलती थी, क्योंकि वह पेशे से इंजीनियर होता है। दोस्तों यह जो संगीता थी काफ़ी खूबसूरत और अच्छी लड़की होती है, इसके 2 बच्चे होने के बावजूद भी यह ऐसा नहीं लगता था कि यह शादीशुदा लड़की है। इनके बाद इन दोनों का जो रिश्ता होता है और भी गहरा जाता है, क्योंकि धनराज जो था वो बाहर रहता था और जो संगीता थी अपना हिल्स के थाने के अंतर्गत कॉलोनी में रहती थी, जिसके पड़ोसी जो है आशीष थे, और आशीष और संगीता जो है आपस में मिलते जुलते रहते हैं। थोड़ा वक्त और गुजरता है तो एक दिन जो संगीता थी वह मार्केट जा रही होती है कुछ सब्जी लेने के लिए, तभी इत्तेफाक से जो आशीष होता है वह भी उसे रास्ते में मिल जाता है और उसके साथ उससे कहता है कि चलो क्यों ना भाभी जी हम चलें आपकी सब्जी ले आएं और फिर हम आपको अपने घर में छोड़ देंगे। तो निसंकोच उसकी गाड़ी पर बैठ लेती है और फिर वह दोनों मार्केट के लिए निकल जाते हैं। मॉल से जो भी जरूरी सामान होता है वह दोनों खरीद कर अपने घर ले आते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं तो जो संगीता होती है वह उससे कहती है कि चाय पी लीजिए तब आप जाइए अपने घर। तो जो आशीष होता है इस मौके की ही तलाश वह कर रहा होता है। दोस्तों इन दोनों के बीच में तो कहने को तो दोस्ती थी, लेकिन जो आशीष था वह मन ही मन संगीता को पसंद करने लगा था। अब यह जो दोस्ती थी धीरे धीरे प्यार में बदलने लगी थी, लेकिन इस बात की जानकारी जो है संगीता को नहीं होती है कि आशीष उसके बारे में क्या सोचता है। दिन के बाद से जो संगीता और आशीष होते हैं एक दूसरे से काफी क्लोज हो जाते हैं। अब जो आशीष था अक्सर जो है संगीता के घर आने जाने लगता है और चाय वगैरह भी पीने लगता है। दोस्तों एक दिन की बात है, जब संगीता अकेली घर में होती है और उसके बच्चे जो है पढ़ाई करने के लिए गए होते हैं और उसका हस्बैंड जो धनराज होता है वो अक्सर बाहर ही रहा करता था, तब जो आशीष उसके घर पर आता है और उससे पूछता है, उससे बातें करता है, और फिर जो संगीता होती है वह भी उससे नॉर्मली बात कर रही होती है। उसे यह नहीं पता होता है कि अगले ही पल वह आशीष उसके बारे में क्या कहने वाला है। कभी जो आशीष होता है उसे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी भी करना चाहता हूँ। तो जो संगीता होती है काफ़ी हद तक जो अकेली पड़ चुकी थी, क्योंकि उसका जो हस्बैंड था ज़्यादातर समय जो है बाहर ही बिताता था, और इस मौके का फायदा उठाकर आशीष जो है उसे प्रपोज कर देता है। और इत्तेफाक से जो संगीता होती है वह भी मन ही मन आशीष को पसंद करने लगी थी और इस प्यार को वह एक्सेप्ट कर लेती है और एक दिन जो है यह दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे होते हैं। और कुछ घंटों के बाद यह दोनों जब फ्रेश होते हैं तो जो आशीष होता है वह अपने घर चला जाता है और संगीता जो है अपने घर में रह जाती है, और कुछ ही देर बाद उसके बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। दोस्तों उस दिन से लगभग जो संगीता थी और जो आशीष था वह आसपास जो है मिलने लगते थे और जो है आए दिन आपस में मिलते और इनकी जो दोस्ती थी जो प्यार में बदल चुकी थी अब वह परवान भी चढ़ चुकी थी। काफ़ी हद तक इन दोनों की जो दिल लगी थी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यह दोनों एक दूसरे के बिना देखे बिना नहीं रह पा रहे होते हैं। वक्त तो गुजरता जाता है लेकिन इस बात की जो भनक थी वह धनराज को बिल्कुल भी नहीं होती है और ना ही आशीष के परिवार को होती, क्योंकि इन दोनों पर कोई शक नहीं कर रहा था क्योंकि यह दोनों पड़ोसी होते हैं। धीरे धीरे इन दोनों के अफेयर को लगभग 4 साल या 5 साल का वक्त गुजर जाता है और धीरे धीरे यह समय आ जाता है साल 2021 में। समय भारत में जो कोरोना अपने पैर
पसार रहा होता है, बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है कोरोना। और तभी जो है जो सरकार होते हैं एडवाइजरी जारी करती है कि कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलेगा और सब लोग अपने घर में रहेंगे। दोस्तों इस बात से जो आशीष होता है उसकी भी नौकरी छूट जाती है और जो धनराज होता है वह भी अपने घर पर ही रहने लगता है, उसका भी सारा काम काज जो है ठप हो जाता है। इस बीच जो संगीता होती है आशीष से मिलने का मौका नहीं निकाल पाती है और वह तड़पने लगती है। लगभग 2 महीने के बाद संगीता होती है उसको एक मौका मिलता है आशीष से मिलने के लिए, क्योंकि जो धनराज होते हैं वह कुछ सामान लेने के लिए मार्केट गए होते हैं। लेकिन इत्तेफाक की बात यह थी कि जो धनराज होते हैं वह अपना वॉलेट घर पर ही छोड़ देते हैं। और दोस्तों इस चीज़ का फायदा उठा करके जो संगीता होती है आशीष को अपने घर बुला लेती है और अपने बच्चों से कहती है कि बेटा आप लोग अपने कमरे में चले जाओ, और संगीता होती है आशीष के साथ अपने कमरे में चली जाती है और फिर अपनी हवस की आग को बुझाने लगती है और कमरे में अकेलेपन को जो है एंजॉय करने लगते हैं। दोस्तों उसी वक्त जो है जो धनराज होता है अपने घर आता है और आकर के बच्चों से कहता है कि बेटा तुम्हारे माँ कहाँ है, तो बच्चे कहते हैं पापा अभी पास वाले अंकल आया थे, माँ उस कमरे में उनसे कुछ बात कर रही है। यह सुनते ही धनराज गुस्से से लाल हो जाता है और उसे सख्त हो जाता है। दोस्तों जब अपने कमरे के पास धनराज जाता है और खिड़की से देखता है लेकिन उसे कुछ ऐसा नहीं दिखाई देता जिससे यह लगे कि यह दोनों कुछ कर रहे हैं। जो धनराज होता है अपने कमरे का दरवाजा खटखटाता है और जो संगीता होती है उसे लगता है कि हो सकता है मेरे बच्चों ने ही मुझे आवाज़ दी हो, उनको कोई ज़रूरत हो, इसलिए वह बिना कपड़ों के ही थोड़ा सा दरवाज़ा खोलती है। और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह पसीने से बिल्कुल भीग जाती है। पर जो धनराज होता है वह भी सदमे में आ जाता है, उसका भी दिमाग काम करने बंद कर देता है। और तभी गुस्से से लाल धनराज जो होता है वह उसको खींच के लाता है और उसे थप्पड़ पे थप्पड़ मारने लगता है। और जो आशीष होता है उसे भी बहुत भद्दी भद्दी गाली देता है और मार पीटने के बाद जो है उसे घर से भगा देता है। दोस्तों काफ़ी समझाने के बाद जो धनराज मीना होता है इसलिए यह सब करना उचित नहीं है, हमारे जो भविष्य वह खतरे में आ सकता है। लेकिन जो संगीता होती है उसकी बात उस वक्त तो सुन लेती है लेकिन आशीष का भूत उसके दिमाग से नहीं उतरता है। जो संगीता होती है इस बात से जो है नॉर्मल हो जाती है और जो धनराज होता है वो भी अपनी बीवी के इस काम को जो है भुला चुका होता है और अच्छे से जिंदगी गुजरने लगती है। बीच में जो संगीता होती है एक बार फिर से आशीष को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपसे मिलना है और कैसे भी करके मुझे आपसे मिलना है। तो जो आशीष होता है वह कहता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड यहीं पर है, हम कैसे भी करके तुमसे नहीं मिल सकते और कृपा करके मुझे फोन मत किया करो। यह सुनते ही जो संगीता होती है वह अब उससे से हलाल हो जाती है और कहती है कि जब तक मेरे हस्बैंड हैं तब तक तो नहीं मिल सकते लेकिन उनके रहने के बाद तो मिल सकते हैं। तो आशीष उनकी बात को सुनकर जो है चंद रह जाता है और फिर जो संगीता होती है अपने ही पति की जो है हत्या की प्लानिंग कर लेती है। उसके कुछ दिन के बाद जो है 6 दिसंबर 2021 को करीब जो 8 बजे के आसपास जो संगीता होती है वह अपने हस्बैंड के लिए काढ़ा बना करके लाती है लेकिन उस काढ़े में उसने पहले ही नीम की गोलियां मिला दी होती हैं ताकि जैसे ही वह धनराज उस काढ़े को पी और उसे गहरी नींद आ जाए और फिर यह दोनों उसका मौका उठाकर उसका कत्ल कर दें। दोस्तों संगीता के प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है, जो धनराज होता है उसके बनाए काढ़े को पी लेता है, करीब 8:30 बजे के आसपास जो है वह कमरे में अपने सोने चला जाता है। दोस्तों जैसे ही संगीता को ऐसा लगता है कि धनराज बिल्कुल नींद में सो चुका है और फिर वह बगल में अपने पड़ोसी आशीष को कॉल कर देती है और उसे बुला लेती है। दोस्तों नींद की हालत में धनराज होता है और उसकी ही सगी पत्नी और उसका जो पड़ोसी आशीष होता है धनराज का गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इस तरह से एक पत्नी ने ही अपने पति अपने बच्चों की दुनिया उजाड़ दी थी और साथ ही पड़ोसी को भी बर्बाद कर दिया था। दोस्तों जैसे ही उसकी हत्या हो जाती है वह जो संगीता होती है उसे उसकी लाश को ठिकाने के लगाने के लिए जो है शाम को करीब 8:30 बजे के आसपास जो है धनराज की बॉडी को एक चरपहिया वाहन में डालती है और उसे डंप करने के लिए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो संगीता की किस्मत थी वह साथ नहीं दे रही थी क्योंकि कोरोना की वजह से जो पुलिस प्रशासन था चप्पे चप्पल पर लगा हुआ था, क्योंकि इस वजह से जो संगीता थी उस बॉडी को डंप नहीं कर पाती है और उसे अपने फंसने का डर सताने लगता है। तभी जो आशीष होता है उसे यह कहता है कि अगर हम इस दोनों को
कबूल कर लेंगे तो हो सकता है हमारी सजा कम हो जाए और फिर जो है हम लोग बच जाएं। लेकिन अगर रंगे हाथ पकड़े जाते हैं पुलिस के मुताबिक तो हमें बहुत सालों की सजा होगी, इससे हमें कोई बचा नहीं सकता। फिर वह दोनों अपने फैसले पर एग्री होते हैं। 2 घंटे उसे टहलने के बाद जो थाने पहुंचते हैं और फिर वहां पर अपनी करतूत को जो है अपने पुलिस प्रशासन के सामने बयान करते हैं, जो आ जाती है और इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके केस चला देती है। कुछ दिनों के बाद जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसमें यह पुष्टि हो जाती है कि यह जो धनराज था इसकी जो मृत्यु है कि गला दबाने की वजह से ही हुई है। जो संगीता थी और जो आशीष थे, इन दोनों का केस लगभग 3 साल के बाद जो है इन दोनों में 2024 में एक फैसला आता है जिसके माध्यम से इन दोनों को जो है सजा हो जाती है और 1,000 रुपये जुर्माने के तौर पर भी अदालत इनसे देने के लिए कहती है। दोस्तों, इस तरह से संगीता और आशीष ने अपने दोनों ही परिवारों को बर्बाद कर दिया था। यह दोनों जेल काट रहे हैं और उनके जो परिवार हैं इन दोनों की सजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि समाज में हो रहे अपराध के खिलाफ सजग और जागरूक बनाना है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।